हो तंदुरुस्त और बलवान, हर लड़की देश की शान। हेलो, मैं डॉक्टर नीता तोशनीवाल हूँ। मैं ओबेसिटी एंड पीसीओडी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 15 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, पीएच डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पे मैंने 15 साल इसी फील्ड में काम किया है और मेरा खुद का क्लिनिक है जो मैं 10 साल से चला रही हूँ। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे क्या खाना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप जब भी रसोई में जाएं, तब आपकी रसोई में एक छोटा सा चार्ट जरूर होना चाहिए। इस चार्ट का नाम है चूज माई प्लेट। इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम कार्बोहाइड्रेट्स का, दूसरा प्रोटीन्स का, तीसरा फैट का, चौथा फल और सब्जियों का, जिसमें से आपको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और 5वां कॉलम डेयरी प्रोडक्ट्स का है। ये आपके हाथ की 5 उंगलियों जैसे हैं। इन 5 उंगलियों को ध्यान में रखेंगे तो आपको हमेशा ही पौष्टिक भोजन मिलेगा। स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों का परहेज करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों से परहेज करें, ये एक अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल को 3 चीजों में बांटती हूँ। 3 सफेद चीजें, मतलब 3 वाइट्स, जिनसे कि आपको बचना चाहिए। चीनी, आटा और नमक, ये 3 वस्तुएं जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, आपको वो चीजें नहीं खानी चाहिए, चाहे वह समोसा, वड़ा पाव, बेकरी उत्पाद या फिर फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, कोला या फिर आपकी पसंदीदा मैगी हो। इन सभी चीजों में ये 3 वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और आपको इनसे बचना चाहिए। क्या ऐसा कोई मल्टीविटामिन है जो मुझे नियमित रूप से लेना चाहिए? मेरा सुझाव है कि यदि आप एडोलेसेंट उम्र में नियमित रूप से पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 12 से 19 साल की उम्र में आपको आयरन और कैल्शियम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और कई बार विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है, पर इन सभी को आप किसी डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, अपने आप ना लें। मीनार की एज का मतलब है आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या पीरियड्स शुरू हो गए हैं। इस उम्र में बहुत लड़कियों को ज्यादा रक्तस्राव होता है, इसलिए इस समय आपको साप्ताहिक आहार पर आयरन और आयरन प्लस फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए और साथ में कैल्शियम भी लेना चाहिए। इन्हें छोड़कर आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे एक दिन में कितना फैटी खाना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चूज माई प्लेट के अनुसार आपकी थाली में फैट्स की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या आगे होने वाले हार्मोनल परिवर्तन आपके फैट्स के कारण ही होने वाले हैं। फैट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरा सैचुरेटेड फैट्स। एक और तीसरा फैट होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और आपको उससे बचना चाहिए। आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के फैट्स ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको उनकी मात्रा का पता लगाना है तो इस उम्र में आपकी भोजन की थाली का 25-30% ही फैट होना चाहिए। मैं आपको जो 25-30% फैट बोल रही हूँ, उसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों ही तरह के फैट्स होते हैं। आप जो भी रोटी, फल या दाल खाते हैं, उन सब से भी आपको फैट्स मिलते हैं। साथ ही साथ घी, मक्खन या आप जो भी कुछ खाते हैं, उन सब में भी फैट होता ही है। इस उम्र में रोज के खाने से मिलने वाला फैट आपके लिए काफी है, पर इसके साथ ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स मतलब गुड फैट्स, यानी कि ऐसे फैट्स जो कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। बादाम, अखरोट या अलसी के बीज या फिर अलसी की चटनी में आपको गुड फैट्स अच्छी मात्रा में मिलेंगे। अगर ये सब आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप ओमेगा-3 के कैप्सूल 1 महीने के लिए ले सकते हैं। मुझे घर का खाना पसंद नहीं है, मुझे बाहर का खाना पसंद है, क्या ये मेरे लिए हानिकारक है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
मैं आपको बताती हूँ कि बाहर का खाना हमारे शरीर के लिए क्यों हानिकारक है। मेरे खुद के दो बच्चे हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चे घर का खाना खाना नहीं चाहते हैं। लॉकडाउन के समय आपने घर का बना हुआ खाना ही खाया है, इसलिए अब आप बाहर का खाना खाना चाहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि सब लोग बाहर का खाना खाने के लिए क्यों मना करते हैं। बाहर के खाने में बैड फैट्स होते हैं। बैड फैट्स का मतलब ट्रांस फैटी एसिड है। बाहर का वड़ा पाव या समोसा या कचौड़ी जिस तेल में तली जाती है, हमें नहीं पता कि उस तेल का कितनी बार तलने के लिए इस्तेमाल हुआ है। बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। ऐसे तेल में कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब इससे आपको आगे जाकर कैंसर, स्ट्रोक, घुटनों का दर्द जैसी बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि घर का जो खाना होता है वो आप केवल अपने स्वाद की दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसको एक पोषण की तरह देखें, तो वह निश्चित रूप से आपको जरूर पसंद आएगा। आप ये बात गांठ में बांध लीजिए कि जो पोषण आपको घर के खाने से मिलेगा वो आपको बाहर के खाने से कभी भी मिल ही नहीं सकता है। 12 से 19 साल की आयु एक लड़की के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इस चीज का अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन 19 साल के बाद जब आप कॉलेज जाना शुरू करेंगे या कॉलेज खत्म होने के बाद आपके माता पिता आपकी शादी की तैयारी शुरू करते हैं, तो वो टाइम आपके लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए अभी आप खुद के ऊपर पूरा ध्यान दें, खाने को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि आपको ही अपने खाने पर हावी होना चाहिए। यू शुड बी द बॉस ऑफ योर ओन फूड। तो अगर कभी आपको समोसा या गोलगप्पे दिख जाएं और आपसे खाने का कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि इस समय मेरे ऊपर खाना हावी हो रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। आपका मन तो आपको ये सब खाने के लिए मजबूर करेगा ही, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, खासकर सुबह के समय। मैं क्या करूं? इस उम्र में आपके शरीर को कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में इन चीजों की कमी है तो आपके पैरों में या पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। इस दर्द से बचने का बहुत ही सीधा और सरल उपाय है, आप रोज सुबह उठकर एक मध्यम आकार का केला खाएं और आप इसे 15 दिन तक खाएं। ऐसा करने से आपके शरीर को सारी आवश्यक चीजें मिलेंगी और दर्द खत्म हो जाएगा। मैं अपना वजन नियंत्रण में कैसे रख सकती हूँ? ये मेरा पसंदीदा विषय है। आपको अपना वजन नियंत्रण में रखने के लिए कुछ अलग नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको चूज माय प्लेट के बारे में बताया था। तो अगर आप चूज माय प्लेट के पांचों तत्व योग्य मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको आपके जीवन में वजन कम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 3 मील्स याद रखें। 3 मील्स यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। इसके साथ ही आप बीच में 2-3 बार स्नैक्स ले सकते हैं। इससे आपका वजन तो नियंत्रण में रहेगा ही, साथ ही आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। मैं जानती हूँ कि इस उम्र में आपके ऊपर कई तरह के प्रेशर होते हैं। आपको लगता है कि मैं ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, अभी तो मुझे पतला होना है, क्योंकि इस उम्र में आपके ऊपर फिल्म स्टार्स का और बॉलीवुड का बहुत प्रभाव रहता है। पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छे दिखने या फिर पतले रहने से ज्यादा जरूरी है कि आप स्वस्थ होने चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए आपको एकदम प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट में कंजूसी ना करें, ब्रेकफास्ट एकदम अच्छे से खाएं और उसके बाद आप लंच और डिनर भी अच्छे से लें। इसके बीच में आप 2 या 3 बार छोटे छोटे स्नैक्स लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वजन नियंत्रण में रहेगा। इसके साथ ही आप रोज व्यायाम कीजिए। आप रोज 1 घंटा साइकिलिंग या जो भी आपको खेल पसंद है वो आप खेल सकते हैं। इस उम्र में लड़कियों के साथ ज्यादातर क्या होता है?
11 से 12 साल तक हम बहुत सारे खेल खेलते हैं क्योंकि हमारे पास समय की कमी नहीं होती है। लेकिन 12 साल के बाद हमारी पढ़ाई बढ़ जाती है, मम्मी पापा का हमारे ऊपर दबाव बढ़ जाता है, स्कूल का प्रेशर आता है, हमारे ट्यूशन होते हैं और इसके साथ ही आजकल हमें मोबाइल पर गेम्स या वीडियो गेम्स भी तो खेलने होते हैं। इन सब की वजह से हम व्यायाम करना छोड़ देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये ठान लें कि आप कितनी भी बिजी क्यों ना हो जाएं, आपको रोज दिन में कम से कम आधे से एक घंटा तो एक्सरसाइज के लिए निकालना ही है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या फिर आप दौड़ सकते हैं। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो आप घर में रस्सी कूद सकते हैं या फिर सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप खो खो कबड्डी खेल सकते हैं। इन खेलों को खेलकर ही तो आप बड़े हुए हैं, इन्हें बंद ना करें। अगर आप नियमित रूप से एक घंटे तक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। मुझे मीठा बहुत पसंद है, क्या मैं मीठा रोज खा सकती हूँ? मीठा और वो भी रोज, ये आपकी सेहत के लिए कैसे ठीक हो सकता है? असल में ये सब हमारा भ्रम है कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जब हमारे शरीर को उचित पोषण नहीं मिलता है तब हमें मीठा खाने का मन करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको मिठाई खानी है या आपका मिठाई खाने का मन कर रहा है। आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको मीठा खाने की इच्छा बार बार होती रहेगी। इसके लिए आपको ऐसा खाना खाना होगा जिसमें भरपूर प्रोटीन हो। इसके लिए आप खाने में स्प्राउट्स, सोयाबीन और पनीर की मात्रा बढ़ाएं क्योंकि इन सब में प्रोटीन रहता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोटीन से भरपूर खाना खा रहे हैं तो उसी मात्रा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको व्यायाम करना पड़ेगा। अगर आप सही प्रमाण में व्यायाम और मेहनत नहीं करेंगे तो आपका शरीर प्रोटीन का पाचन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन के साथ व्यायाम भी कर रहे हैं तो आपको मीठा खाने की इच्छा नहीं होगी। एक दिन में मुझे खाना कितनी बार खाना चाहिए? आमतौर पर आपको दिन में 6 से 7 बार भोजन खाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा मील प्लान बताती हूँ। आजकल सुबह उठते ही सबको चाय की आदत है और वो इसे फैशन मानते हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मुझे तो चाय के बिना चलता ही नहीं है। आपको सुबह उठते ही चाय क्यों नहीं लेनी चाहिए? रात भर आपका शरीर बहुत ही शांत अवस्था में होता है और अगर आप सुबह उठते ही गरम गरम चाय पियेंगे तो आपके बॉडी की हलचल कैसे बढ़ेगी? अगर आपको लगता है कि सुबह उठते ही आपको चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए तो आप सुबह उठने के तुरंत बाद कम से कम एक फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाएं और उसके 1.5 घंटे बाद आप नाश्ता करें। सुबह के नाश्ते में आप कोई भी एक प्रोटीन से भरपूर डिश खाएं। आजकल बाजार में जो फैंसी चीजें चल रही हैं, जैसे कि ओट्स, म्यूसली या न्यूट्रीबार, आपको ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर बना हुआ माँ के हाथ का खाना जैसे कि पोहा, उपमा, पराठा या रोटी सब्जी ही खाएं। हमारा भारतीय खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारी दादी नानी जो खाना बनाते थे और खाते थे उससे वे 100 साल तक जीवित रहते थे। वो लोग घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाते थे। जब बाजार से हम म्यूसली या न्यूट्री खरीदते हैं तो इसमें कुछ अलग से एजेंट्स डाले जाते हैं। ये एजेंट्स चीनी या फैट्स होते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी खराब नहीं होते, पर यही चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आप सुबह नाश्ते में जो भी खाते हैं उसमें आप मूंगफली डालें, अलग अलग तरह की सब्जियां डालें और उसके साथ फल और दही लें, तो ये आपकी संपूर्ण डिश बन जाएगी। यही चीज आप पोहा, उपमा या जो गेहूं का दलिया होता है उसके साथ कर सकते हैं। आजकल तो गेहूं का दलिया हर जगह मिलता है। अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आपको सिर्फ गेहूं को दरदराना है और उसमें मूंग दाल डालनी है। दाल डालने से आपको प्रोटीन मिलेगा, गेहूं से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और इसमें सब्जियां डालने से ये आपका एक संपूर्ण मील बन जाएगा। इसलिए नाश्ते में आपको कुछ अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फैंसी फूड खाने की जरूरत है। आप माँ के हाथ का घर पर बना हुआ खाना ही खाएं क्योंकि वही खाना आपके लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में टाइम निकाल कर आप एक ग्लास नींबू पानी या फिर नारियल पानी
या छाछ पी सकते हैं, या आप कोई भी एक सीजनल फल भी खा सकते हैं। आजकल लोगों को फैंसी फल खाना बहुत पसंद है, जैसे कि कीवी, ड्रैगन फ्रूट या बेरीज। ये सारे फल हमारे आसपास नहीं होते हैं। आपको ऐसे फल खाने चाहिए जो आपके आसपास के एरिया में ही होते हों। आप केला खाएं, संतरा खाएं, अमरूद खाएं, तरबूज खाएं, खरबूजा खाएं, पर ऐसे ही फल खाएं जो आपकी नजदीक के एरिया में होते हों। इससे आपके शरीर को ज्यादा पोषण मिलेगा, क्योंकि यह आपकी ही मिट्टी से आता है और आपको ताजा मिलता है। इसी तरह से आप इमली और बेर खाएं, आंवला खाएं, चना खाएं, ये सब बहुत ही पौष्टिक होता है। हमारे समय में तो ये सब चीजें स्कूल के बाहर ही मिल जाती थीं, पर आजकल तो स्कूल के बाहर आपको वेफर्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मिलती है, जो बहुत ही सस्ती आती हैं। दोपहर के खाने में आप सादा खाना यानी कि दाल चावल, रोटी सब्जी ही खाएं, ना कि नूडल्स, पास्ता और पिज्जा। हमारा सादा खाना ही हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। सादे खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन सब कुछ मिल जाता है। अगर आप टिफिन लेकर जाते हैं तो आप पराठे के साथ सब्जियां या दही ले जा सकते हैं। बचपन से ही खाने की सही आदतें डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं आदतों के ऊपर हमारे आगे का जीवन निर्भर करता है। इस उम्र में खाने से हमें जो कैल्शियम, आयरन मिलता है या हमारे शरीर का जो मसल मास होता है, वही हमें आगे की जिंदगी में काम आता है। इसलिए आप अपने खाने में क्या चीजें खा रहे हैं उसका एकदम ध्यान रखें। आपको अलग कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ घर का बना हुआ खाना ही खाना है। ये सब चीजें खाने से आपके शरीर को जो शक्ति मिलती है, वो कभी भी चिप्स या कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं मिलेगी। शाम को अगर आपको भूख लगे तो आप चना, मुरमुरा, घर का बना हुआ चिवड़ा या फिर भेल खा सकते हैं। रात का खाना भी आप दोपहर की तरह एकदम सादा ही खाएं। अगर आपको चावल पसंद है तो आप कढ़ी खिचड़ी खा सकते हैं। आप रात के खाने में सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रात के समय आप बाहर का खाना ज्यादा ना खाएं, और अपनी मम्मी को भी परेशान ना करें कि रात को मुझे पिज्जा ही चाहिए, बर्गर ही चाहिए। आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, इसलिए वो तो आपको बना के दे देंगे, पर ये बात आप अच्छे से समझते हैं कि किस चीज से आपको पोषण मिलेगा। मेरे चेहरे पर काले धब्बे, मुहासे हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, वजन बढ़ गया है और स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में 10 में से 3 से 4 लड़कियों में लक्षण देखे जाते हैं, और इसलिए अभी WHO ने इसे PCOS नाम दिया है। ये बीमारी नहीं है, पहले उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि PCOD कहा जाता था। PCOD में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि चेहरे पर काले धब्बे आना, मुहासे आना, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना। मूड स्विंग मतलब क्या? मूड स्विंग में आपको कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कुछ अलग करने का मन करता है, कभी सोने का मन करता है, तो कभी रोने का मन करता है, तो कभी बहुत गुस्सा आता है। PCOS में हमारे बाल झड़ते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है। इसका मेडिकल उपचार लेना और वजन नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी हमने इसका उपचार नहीं किया तो भविष्य में हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज या स्ट्रोक या किसी प्रकार का कैंसर भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर को सही मात्रा में नहीं मिलता है। इससे बचने के लिए आपका व्यायाम करना बहुत जरूरी है और आपका वजन नियंत्रण में रहना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको खाने में चीनी खाना बिल्कुल ही बंद कर देना है। मैदा, बेकरी के पदार्थ खाने पूरी तरह से बंद कर देने हैं, और हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट ही खानी है। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब आप दालें या फिर अंकुरित चीजें खाएं। इसके साथ ही आप सब तरह की फलियां भी खा सकते हैं। पनीर, सोयाबीन में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही आपको ज्यादा फ्रुक्टोज वाले फल जैसा कि केला, शरीफा और आम खाने कम कर देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उम्र में आपको कार्बोहाइड्रेट की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर आपके शरीर में ये सारे लक्षण हैं, तो आपको रोटी और चावल खाना कम कर देना है।
इसके साथ ही आप व्यायाम कीजिए। उसमें आप 15 मिनट तक पेट के व्यायाम कीजिए, इससे आपके पेट पर दबाव आएगा। साथ ही आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका मन शांत रहेगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई स्किन का डॉक्टर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी क्रीम लगा लें, आपके दाग धब्बे दूर नहीं होंगे, आपके मुहासे भी दूर नहीं होंगे। जब तक आपका PCOS पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, तब तक आपका वजन कम होने वाला नहीं है। एक दिन में मुझे कितना पानी पीना चाहिए? अगर आप 12 से 14 साल की उम्र के हैं, तो आपको एक दिन में आमतौर पर 6 से 8 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। उसके लिए आप एक अलार्म लगा लें। अक्सर हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा पानी पीने का टाइम हो गया है, और हमें ये समझता ही नहीं है कि हमें प्यास लगी है। और फिर जब हमें जोर की प्यास लगती है, तब हमारा हाथ सीधा फ्रिज की तरफ जाता है और हम एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। इसलिए आप हर एक घंटे के बाद अलार्म लगा लें और अलार्म बजते ही आधा ग्लास पानी पी लें। अगर आप 14 से 19 साल की उम्र में हैं और आप खेल खेलते हैं, तो आपको आमतौर पर 10 से 12 ग्लास तक पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने सही मात्रा में पानी पिया है, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। इसलिए आप हर एक घंटे का अलार्म लगाएं और अलार्म बजते ही पानी का ग्लास पिएं। मैं नाश्ता नहीं करती हूं और सीधे दोपहर का भोजन करती हूं। क्या ये मेरे लिए सही है? सबसे पहले आप ऐसा क्यों करते हैं? इस उम्र में जैसा कि मैंने कहा, 6 से 8 बार आहार लेना बहुत जरूरी है। आप किसी भी डाइट के बारे में सुनते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आजकल बहुत फैशन में है, कि हमें इतने ही मिनट में खाना है, हमें दिन में 2 ही बार खाना है, तो ये सब आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत मोटे हैं या फिर आपको कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह से कोई डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे किसी भी मरीज को इस उम्र में ये सुझाव नहीं देती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में आप में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए सही न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। नाश्ता पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना होता है और वो आपको लेना ही चाहिए। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे, तो आपको दोपहर के खाने के समय बहुत भूख लगेगी, और फिर आपको अपने सामने चिप्स, पिज्जा, बर्गर दिखेंगे। आप वो खा लेंगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि मैंने क्यों खाया। फिर आप क्रैश डाइटिंग करेंगे, इसका मतलब फिर आप रात तक कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा करने से रात को खाने के समय आपको जोर से भूख लगेगी। फिर आप अपनी मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी, मुझे कुछ मीठा चाहिए, बिस्किट चाहिए, चिप्स चाहिए। तो अगर आप नाश्ता ठीक से करेंगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप पूरे दिन पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके शरीर को कुछ भी अलग से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में 6-7 बार थोड़ा थोड़ा खाने से आपके शरीर को ताकत मिलती रहेगी। आप अपने सारे क्लासेस भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए नाश्ते को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, वो आपको लेना ही है। मुझे चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी कहती हैं कि चावल खाने से मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं क्या करूं? मम्मी की बात सुननी चाहिए, पर इस बारे में नहीं। अगर आप सही मात्रा में चावल खा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आजकल के मम्मी पापा को लगता है कि मेरी बेटी अच्छी दिखनी चाहिए, पतली दिखनी चाहिए। ये पतले दिखने का फैशन सिर्फ लड़कियों में ही नहीं, बल्कि आजकल मम्मियों में भी आ गया है। चावल हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम कई सालों से चावल खाते आ रहे हैं। गेहूं, ज्वारी तो हमने 500-600 साल से ही खाना शुरू कर दिया है, पर चावल हम उसके भी बहुत पहले से खाते आ रहे हैं। आजकल बाजार में ज्यादातर पॉलिश्ड चावल ही मिलते हैं, पर आप अनपॉलिश्ड चावल ही खाएं। वो दिखने में अच्छा नहीं होता है, पर उसमें पोषण भरपूर होता है। आप चावल तो खाएं ही, पर उसके साथ आप दाल और उसके ऊपर आधा चम्मच घी डालकर भी खाएं। आप 80% चावल लें और उसमें 20% दाल डालें। इससे आपके शरीर को 9 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे। ये प्रोटीन आपके शरीर में तैयार नहीं होते हैं। दाल और चावल हमारे शरीर के लिए एक संपूर्ण भोजन है। अगर हम उसके ऊपर घी डालते हैं, तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है।
इसलिए आप बिना किसी झिझक के चावल खा सकते हैं और ये सेहत के लिए अच्छा होता है। चावल में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है और ये सिर्फ चावल में पाया जाता है, इसलिए अपने खाने में चावल जरूर खाएं। अगर ब्राउन चावल या अनपॉलिश्ड चावल होंगे तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दिन में कितनी बार चाय या कॉफी पी सकती हूँ? इस उम्र में चाय और कॉफी लेने की आदत नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी तो आपको दिन में सिर्फ एक या दो बार ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कॉफी या चाय में टैनिंस या कैफीन होता है। भोजन से आपको जो भी कैल्शियम या अन्य चीजें मिलती हैं, वो चाय और कॉफी सोख लेता है। बहुत सारे लोगों को रात में खाना खाने के बाद एक कप चाय पीने की आदत होती है। उनको लगता है कि चाय पियेंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, पर खाने के बाद चाय या कॉफी पीने से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए आप चाय और कॉफी ना लें, और अगर लें तो एक या दो बार से ज्यादा नहीं, और वो भी एकदम कम शक्कर के साथ। अगर आप 12 से 19 साल के हैं तो आप शुरू से ही कम शक्कर वाली चाय या कॉफी पिएं, और अगर आप ये बिना चीनी के पी रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हैं? जब विटामिन डी की कमी होती है तो हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, पैरों में बहुत दर्द होता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनकी हड्डियों में से आवाज आ रही है। ऐसे लोगों को कैल्शियम और विटामिन दोनों की कमी होती है। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए आप कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, या उससे भी अच्छा है कि आप धूप में बैठें। गर्मियों में आपको सुबह की धूप लेनी चाहिए, यानी कि 8 से 11 बजे तक की। 11 बजे के बाद की धूप तेज होती है, वो आपका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। सर्दियों में आप आमतौर से 9 से 11 के बीच की धूप लें। गर्मियों में 5 मिनट भी काफी हो जाते हैं, और सर्दियों में आप कम से कम 15 मिनट धूप में खड़े हों। ऐसा करने से आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आप गाय का दूध या फिर उससे बना हुआ दही भी ले सकते हैं। इन दोनों चीजों में B12 और B3 अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद भी अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी खाती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्या ये सच है? पहली बात तो ये कि आपको जल्दी क्यों खाना है, कोई पीछे पड़ा है क्या आपके? नहीं ना, तो फिर आप खाना इतना जल्दी क्यों खाते हैं? जल्दी खाना खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी मम्मी आपके लिए जो खाना बनाती हैं, वह बहुत ही मेहनत से बनाती हैं। इसलिए अगर आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप उस खाने की कद्र नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपके पेट में बहुत सारी हवा चली जाती है, इसलिए जब आप अपना खाना खत्म करते हैं तो आपको आपका पेट बहुत फूला हुआ लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पेट में गैस बन रही है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है। कुछ शोधों से ये भी मालूम पड़ा है कि जल्दी जल्दी खाना खाने वालों को मधुमेह की बीमारी भी हो सकती है। जल्दी जल्दी खाने से हमें कुछ प्रकार के स्ट्रोक या दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए आपको जल्दी खाना नहीं खाना है। हमारे पूर्वज या दादा दादी कहा करते थे कि हमें खाना 32 बार चबा कर ही खाना चाहिए। ऐसा करने से ब्रेन को संतुष्टि मिलती है। जल्दी जल्दी खाने से आपके शरीर में घेलिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है। इसी हार्मोन की वजह से आपका वजन बढ़ता है, इसलिए आप हमेशा खाना धीरे धीरे आराम से ही खाएं। जब मैं नर्वस या चिड़चिड़ी या उदास होती हूँ तब मैं बहुत खाती हूँ, क्या ये सही है? ये कैसे सही हो सकता है? खाने का और आपके डिप्रेशन का या आपके चिड़चिड़ापन का कोई भी संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में होता है या फिर आपके मन में होता है। जब भी आपको लगे कि आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं तो आप अपनी माँ से बात करें, अपनी सहेली से बात करें, या फिर बाहर कहीं घूम कर आएं।
चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए कुछ भी खा लेना कोई इलाज नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल हम डॉक्टर्स देखते हैं कि लड़कियों में दो तरह की बीमारियां बहुत होती हैं, एनोरेक्सिया बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा। आजकल क्रैश डाइटिंग का फैशन चल रहा है। लड़कियों को लगता है कि मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मुझे तो बहुत सुंदर दिखना है, और इसी की वजह से लड़कियां कुछ भी खाती नहीं हैं। अगर उनका रिक्वायर्ड वेट 50 है और मापने पर अगर उनका वेट 40 आया तो भी उनको लगता है कि वो अभी भी मोटी ही हैं। वो लड़कियां ऐसा सोच के सब कुछ खाना बंद कर देती हैं। इसे ही हम एनोरेक्सिया बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन का भोजन से कोई संबंध नहीं है। कई लोगों को बिंज ईटिंग की आदत होती है। बिंज ईटिंग का मतलब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ऐसा खाने के बाद हमें बुरा लगता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, फिर हम कोई लैक्सेटिव लेते हैं या उल्टी करते हैं या किसी न किसी तरह से उस खाने को बाहर निकालते हैं। पेट खाली होते ही हम दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। ये सब बातें मानसिक होती हैं। इन सब से बचने के लिए आपको अपने मन को एकदम मजबूत बनाना है और खाना खाने से ही अच्छा लगेगा ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको किसी से सलाह लेनी है तो आप अपनी सहेली से बात करें, माँ से बात करें या फिर किसी डॉक्टर के पास भी आप जा सकते हैं। मेरी मम्मी कहती है कि थाली में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो मुझसे कहती है कि लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और मैं खाना छोड़कर उसे बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पेट भर जाने के बाद मुझे खाना छोड़ देना चाहिए। क्या मेरी सोच सही है? हाँ, इस मामले में मम्मी नहीं, आप सही हैं। हिंदी में एक छोटी सी कहावत है कि ये मेरा पेट है, कोई कोठरी नहीं है। इसलिए आपको जितनी जरूरत लगती है उतना ही लें और उतना ही खाएं। अगर आप सोचते हैं कि इतना सा ही तो चावल या रोटी बची है, तो आप ऐसा सोचिए कि यदि रोज आप 20 से 30 ग्राम एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, तो अगर ये पूरे साल का जोड़ दें, तो आपके शरीर में कम से कम 2 से 3 किलो एक्स्ट्रा खाना जाता है और यही एक्स्ट्रा खाना आपका वजन बढ़ाता है। इसलिए आपको जितनी भूख है उतना ही खाना अपनी थाली में लें और वो खत्म करें। आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, आपका पेट थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। आप ये बात अपनी मम्मी को प्यार से समझाएं। एक बार कहें, दो बार कहें, वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। क्या मुझे रोज एक ही समय पर भोजन करना चाहिए? हाँ, हमें प्रतिदिन एक ही समय पर भोजन करना चाहिए। हमें एक ही समय पर भोजन क्यों करना चाहिए? आजकल हमारी दिनचर्या घड़ी के हिसाब से चलती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप दिन में कितनी बार घड़ी देखते हैं? आपको सब कुछ टाइम पर ही चाहिए होता है। एक मिनट भी इधर से उधर हो गया तो आफत आ जाती है। आपके शरीर की भी एक घड़ी होती है, उसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। आपके शरीर की ये घड़ी जिस समय पर आप खाते हैं, जिस समय पर आप सोते हैं या आपका शरीर जिस तरह की एक्टिविटीज करता है उसी तरह से चलती है। अगर आज आपने 9 बजे खाना खाया तो अगले दिन भी आप उसी समय खाना खाएं। आपके शरीर को उस टाइम की आदत पड़ जाएगी और फिर आपको रोज उसी टाइम पर भूख लगेगी। इसलिए अगर आप अपने भोजन का जो टाइम है उसका सख्ती से पालन करते हैं, तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या नींद नहीं आने जैसी कोई समस्या ही नहीं होगी। क्या हम जो खाना खाते हैं और जो हमारा मूड होता है उसके बीच कोई संबंध है? भोजन और मूड के बीच एक निश्चित संबंध है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अगर आपने बहुत अच्छा सात्विक ताजा खाना खाया है और अगर आप गर्म खाना बनाकर खा रहे हैं तो आपका मूड फ्रेश रहेगा। और अगर आप बासी भोजन खाते हैं, यानी कि सुबह का पका हुआ खाना शाम को खाते हैं, और अगर आप इसे थोड़ा गर्म करके भी खाते हैं, तो भी आपको इसमें से सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। आपकी मम्मी आपसे हमेशा कहती होंगी कि गर्म गर्म खाना बनाया है, तुरंत खाने बैठ जाओ। गर्म और ताजा खाना खाने में जो मजा आता है और जो संतुष्टि आपके दिमाग को मिलती है, वह बासी खाने में आ ही नहीं सकती है। इसलिए ताजा भोजन ही खाएं
और जितना हो सके सात्विक भोजन करें। यानी कि आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे। ऐसा भोजन करने से आपके शरीर में होने वाले बदलावों की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और आपको बहुत एसिडिटी होगी, क्योंकि आपका शरीर तीखा खाने के लिए बना ही नहीं है। पुराने जमाने में लोग बहुत ही सादा खाना खाते थे और वो बहुत खुश भी रहते थे। तब ना तो खाने में आजकल के जैसी फैंसी सब्जियां थी और ना ही फैंसी फल। उस समय सादा दाल रोटी, चावल, दही और दूध हुआ करता था। वे इसे ताजा ही बनाकर खाते थे और साथ में कसरत भी करते थे। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मूड पर होता है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आती है। मेरी मम्मी मुझे सोने से पहले दूध पीने को कहती हैं। मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? आप रात को ठीक से सो क्यों नहीं पाते हैं? इसका कारण मोबाइल है। मोबाइल पर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है और ना जाने क्या क्या है। इन सब की वजह से ही आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं। सोने से 10 मिनट पहले आप अपने मोबाइल पर सारी चीजें बंद कर दें और शांत मन से सोचें कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या किया है, और फिर उसके बाद अब अपनी आंखें बंद करके लेट जाएं। आप देखेंगे कि आपको अपने आप नींद आ जाएगी। एक और बात ध्यान में रखें कि रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना दूध लेना बहुत ही अच्छा होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में रात को सोने से पहले दूध पीने की परंपरा है। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है। इससे हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे मन को शांत करता है और हमें अच्छी नींद आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना दूध पीने की आदत जरूर डालें। मुझे दिन भर भूख लगती है, मैं क्या करूं? मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको दिन भर भूख लगेगी। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए आपको सुबह उठते ही बादाम, अखरोट या एक फल ले लेना है और नाश्ते में हाई प्रोटीन डाइट ही लेनी है। इसके बाद में लगने वाली भूख आपको नहीं लगेगी, क्योंकि नाश्ते की एनर्जी धीरे धीरे शरीर में रिलीज होती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको पूरे दिन में हर 2 या 2.5 घंटे पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेना है। आपको किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। ध्यान रखें कि यदि आप नाश्ता स्किप करते हैं तो आपको भूख लगेगी, क्योंकि सुबह आपके शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है। इसलिए आप रोज एक निश्चित समय पर ही खाना खाएं और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही खाएं। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती खाने के लिए कहते हैं, मैं क्या करूं? आपके मम्मी पापा इस बारे में बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सब्जियों से आपको मिनरल्स, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसी चीजें मिलती हैं। इसलिए आपको सब्जियां खानी ही चाहिए। अगर आपको सब्जियां पसंद नहीं है तो मैं आपको उन्हें खाने का एक तरीका बताती हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो आप मेथी के पराठे बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप मेथी को बाकी सब्जियों के साथ मिक्स करके उनका कटलेट बनाकर भी खा सकते हैं। आप रसोई में छोटी मोटी चीजें बनाने की खुद ही कोशिश करें। आप YouTube पर रेसिपी ढूंढें और उसे बनाएं। ऐसा करने से आपको खुशी भी मिलेगी और पोषण भी मिलेगा। रोज फल खाना मेरे लिए बहुत महंगा है, क्या इसका कोई विकल्प है? जब हम भूख लगने पर या मन होने पर बाजार से चिप्स का पैकेट खरीदकर खाते हैं, या 10 रुपए की कोको कोला की बोतल खरीदकर पीते हैं, या हफ्ते में 2 से 3 बार मैगी खाते हैं, तो हमें ये सब चीजें महंगी क्यों नहीं लगती हैं? आप ये सब चीजें ना खरीदें और उसी रुपए से अपने लिए फल खरीदें। अगर आप फलों को सीधा किसानों से खरीदेंगे तो आपको फल और भी सस्ते मिल जाएंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप मौसमी फल ही खाएं। सीजन है तो आप संतरा लें। सीजन में संतरे महंगे भी नहीं होते हैं। आप केला खा सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। अगर गर्मियों का सीजन है तो आप तरबूज, खरबूज लें, या गर्मियों में जो आम मिलते हैं वो महंगे नहीं होते हैं। अगर आप देसी आम खरीदते हैं तो वे काफी सस्ते होते हैं, या आप सीधे कच्चे आम लेकर उन्हें पकाकर खा सकते हैं। आप वही फल लें जो आपके आसपास मिलते हों, क्योंकि वे फल सस्ते भी होते हैं
और ताजे भी होते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप अपने मन में ठान लेंगे तो आप फलों को आराम से खरीद पाएंगे। मुझे घी बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं रोज घी खा सकती हूँ? जी हाँ, घी खाना बहुत अच्छा होता है। आप रोजाना 3 चम्मच तक घी खा सकते हैं। आप दाल चावल, कढ़ी खिचड़ी या फिर रोटी पर घी लगाकर खा सकते हैं। ये आपको खाने में अच्छा लगेगा। आप खाने में जो भी घी डालते हैं उसमें मौजूद ब्यूटरिक एसिड गट फ्रेंडली होता है, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही आपकी त्वचा बहुत ग्लो करती है। रोजाना घी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे किसी खाने की चीज से एलर्जी है? खाने की कई चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षण ये हैं कि आपको पेट में दर्द हो सकता है, या आपके चेहरे पर या पूरे शरीर पर फुंसियाँ आ सकती हैं, या फिर अचानक से बहुत सारे रैशेज आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप समझ जाएं कि आपको खाने की किसी चीज से एलर्जी है। इससे बचने का एक बहुत ही सरल उपाय है जिसे हम एलिमिनेशन डाइट कहते हैं। आप पिछले 15 दिनों में या 20 दिनों का सोचें कि आपने उसमें अलग क्या खाया है। अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है तो आप अपने खाने या डेली रूटीन में से वो चीज हटा दें। 15 से 20 दिनों के बाद फिर से वो चीज लें और देखें कि उससे आपको फिर से एलर्जी होती है या नहीं। अक्सर ये बहुत ही कम अवधि की होती है और इस थोड़े से समय में ये एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो इस चीज में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वॉक करना या साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कृपया मुझे बताएं कि मुझे ये प्रतिदिन कितने मिनट करना चाहिए? जितना हो सके उतना करें, क्योंकि इस उम्र में आप जितना दौड़ेंगे, जितना व्यायाम करेंगे, उतना ही आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। वॉकिंग करने के लिए रोज 1 घंटा काफी है, पर इस 1 घंटे में आप ब्रिस्क वॉक करें। आप रोज आधे घंटे के लिए साइकिलिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल या कोई अन्य स्पोर्ट भी खेल सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो 10 से 15 मिनट तक योगा करते हैं और कहते हैं कि आज मैंने व्यायाम की है और मेरे लिए इतना ही टाइम काफी है। तो 10-15 मिनट से आपके शरीर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्यायाम का मतलब ये है कि आपके शरीर की कैलोरीज अच्छे से बर्न होनी चाहिए। आपको कम से कम 45 मिनट तक तो व्यायाम करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका शरीर फैट बर्न करना शुरू करता है।